नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कुढ़नी के विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई। कल कुढ़नी का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब बस नतीजों का इंतजार है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में कल 57.90% वोट पड़े हैं और पिछले चुनाव से ये 6.29% कम है। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे कुढ़नी की सीट किसकी हुई, लेकिन उससे पहले गणित पर बात करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है किसकी ये सीट हो सकती है। किसकी हुई ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन किसकी हो सकती है और क्या चुनाव के दौरान जो लग रहा था, चुनाव खत्म होते होते तस्वीर वही रही है या तस्वीर बदल गई है, गणित बदल गया है। अगर ये सवाल है कि तस्वीर वही रही है या फिर गणित बदल गया है, तो जवाब यह है कि गणित बदल गया है। एक वक्त पर मुकेश सहनी ने जिस तरह से एंट्री की इस उपचुनाव में, उन्होंने अपने प्रत्याशी नीलाब कुमार को टिकट दिया, उससे लगा कि लड़ाई उन्होंने त्रिकोणीय बना दी है। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक शायद काम नहीं कर पाया है। लगा कि मुकेश सहनी इस बार बीजेपी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए खेल रहे हैं। तभी उन्होंने सरप्राइज किया है और भूमियार समाज से आने वाले नीलाब कुमार को टिकट दिया है। जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा है मुकेश सहनी ने, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुढ़नी के चुनाव में मुकेश सहनी लड़ाई से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, तीसरे नंबर पर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुढ़नी उपचुनाव का जो गणित सामने आया है वो गणित यही कह रहा है। कुछ जानकारी हमारी है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है, वो ये कहती है कि मुकेश सहनी पिछड़ गए हैं इस लड़ाई में और इस बार कांटे की लड़ाई अगर किसी के बीच है तो जेडीयू बीजेपी के बीच ही है। एक तरफा लड़ाई नहीं है, कांटे की लड़ाई है। बीजेपी के पक्ष में जो चीज जाती है वो ये जाती है कि सवर्ण मतदाता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, बीजेपी को वोट किया है और चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ने बीजेपी के लिए बैटिंग की है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। दलित और पासवान समाज के वोटर भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, बहुत से हमारी इन वोटरों में नहीं हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन के पक्ष में जो चीज जाती है वो ये है कि दलित और मुस्लिम समाज के वोटरों में सेनमारी नहीं हो पाई है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से इंटैक्ट रहा है महागठबंधन के साथ, जेडीयू के साथ। तो कई मायनों में ये लड़ाई सवर्ण वोट बैंक वर्सेज MY वोट बैंक भी हो गई है और जिसने जिसका जितना साथ दिया है उस हिसाब से परिणाम तय होंगे, कौन किस पर कितना भारी पड़ा है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा।